हिंदीपीडिया पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भविष्य के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ईसाइयों के एक पवित्र दिन ईस्टर संडे के बारे में। भारत एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। सभी को संविधान में समान अधिकार प्राप्त है। हर धर्म के लोग अपने त्योहार अपनी पद्धति से मनाते हैं। ईसाई धर्म के लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है ईस्टर। ईस्टर हमेशा रविवार को ही मनाया जाता है, इसलिए इसे ईस्टर संडे भी कहते हैं। ये क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत ही पवित्र और खुशियों भरा त्योहार है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम ईस्टर के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ईस्टर की कहानी। ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार ईसा मसीह लोगों को मानवता, अहिंसा और एकता का उपदेश देते थे। जीवन और धर्म के सच्चे स्वरूप को समझाते थे। लोग उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और लोग उन्हें ईश्वर मानने लगे। इसके चलते तत्कालीन धार्मिक कट्टरपंथियों और पाखंडियों को अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। उन लोगों ने रोम के शासक पिलातुस से प्रभु यीशु की खूब बढ़ा चढ़ाकर शिकायत की। उन्होंने पिलातुस से यीशु के बारे में कहा कि वो स्वयं को ईश्वर पुत्र कहता है और लोगों से कहता है कि ईश्वर ने मानव कल्याण के लिए उसे पृथ्वी पर भेजा है। कट्टरपंथियों ने यीशु को लोगों को राजा के विरुद्ध भड़काने का भी आरोप लगाया। इस पर गुस्से में आकर पिलातुस ने ईसा मसीह को मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। प्रभु यीशु को पहले कोड़ों से बुरी तरह पीटा गया, उसके बाद उनके सिर पर कांटों से भरा ताज पहनाया गया और अंत में उनके हाथ पैर में कीलें ठोककर उन्हें क्रॉस पर लटका दिया गया। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह अपनी मृत्यु के तीसरे दिन पुनः जीवित हो उठे थे। उस दिन रविवार था, तब से इसे ईस्टर संडे कहते हैं। प्रभु यीशु के पुनः जी उठने की खुशी में ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। पर क्या था ईस्टर फेस्टिवल का इतिहास? ईस्टर का इतिहास बहुत ही पुराना है। ये त्योहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ये 8वीं सदी में एक विद्वान सेंट बीड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये अपने भगवान यीशु मसीह के पुनः जी उठने पर उसी खुशी के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर एक पगान या बुत परस्त त्योहार है जो बसंत ऋतु की बहार के साथ ही बसंत के पहले रविवार को मनाया जाता है। ईस्टर का मुख्य प्रतीक एक अंडा होता है। वर्तमान में ईस्टर नई कायाकल्प, नया उत्सव, पुनर्जन्म, नवीनीकरण और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों और हर एक प्राणी के लिए उन्नति का प्रतीक है। कहा जाता है कि ईस्टर के 46 दिन पूर्व जो भी बुधवार आता है उस दिन से ये प्रारंभ होता है और ईस्टर के दिन समाप्त होता है, जिसमें अंतिम सप्ताह पवित्र सप्ताह होता है और आखिरी रविवार को ईस्टर मनाकर इसकी समाप्ति होती है। कहा जाता है कि 46 दिन में से एक गुरुवार को ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु यीशु पुनः जी उठेंगे। इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। फिर एक रविवार बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तब से लोग ईस्टर को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अब जानते हैं ईस्टर फेस्टिवल के कुछ तथ्य। ईस्टर के तथ्य अपने आप में काफी रोमांचक हैं, जिसमें हर चीज का अपना ही महत्व है और उसके संबंध में पौराणिक कथा है। जिस तरह एक उदासी से भरा माहौल रहता है, परंतु बसंत की बहार के साथ माहौल खुशनुमा हो जाता है, उसी प्रकार शैल या खोल यीशु की कब्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन बसंत के फूल यीशु की मृत्यु के बाद पुनः जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईस्टर में अंडे का क्या महत्व है? ईस्टर में अंडे का बहुत महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार चिड़िया सबसे पहले अपने घोंसले में अंडा देती है, उसके बाद उसमें से चूजा निकलता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ अंडे को एक शुभ संकेत माना गया है और ईस्टर में बहुत सलीके से इसका उपयोग किया जाता है, कहीं चित्रकारी करके तो कहीं दूसरे रूप में सजा कर उपहार के रूप में एक दूसरे को दिया जाता है।
ये एक शुभ संकेत होता है जो लोगों को देकर उनके जीवन में जीवन जीने के प्रति नया उत्साह और उमंग भरता है। तो अब आगे बढ़ते हैं ईस्टर सेलिब्रेशन की तरफ। ईस्टर एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है जिसमें खुशी और जश्न होता है। प्रभु यीशु के पुनः जी उठने का, जिसे धार्मिक रूप से क्रिश्चियन समाज मनाता है। इसके अलावा एक दूसरे को गिफ्ट्स, जिसमें खासकर अंडे का आकार हो, देकर अलग अलग रूप से पार्टी करके, मिठाई बनाकर, गीत गाकर, बधाई देकर और अन्य कई तरीकों से भिन्न भिन्न देशों में बड़े उत्साह के साथ ईस्टर मनाया जाता है। इस दिन गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, लोग धार्मिक गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। ज्यादातर उपहार अंडे के आकार के होते हैं। कुछ लोग बीजा रोपण करते हैं। ईस्टर में लोग झूम उठते हैं। सुबह से शाम तक मस्ती चलती रहती है। नृत्य और संगीत का भी कार्यक्रम चलता है। तरह तरह का खाना पीना होता है। ये दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। भारत में भी आजादी के पूर्व ब्रिटिश काल से ही ईस्टर सेलिब्रेशन चला आ रहा है। देखा जाए तो उस समय क्रिश्चियन लोग भारत में कुल आबादी के 2% ही थे, परंतु फिर भी ईस्टर को उतनी ही धूमधाम से मनाया जाता था। भारत में मुख्य रूप से मुंबई, गोवा और पूरे भारत में जहां भी क्रिश्चियन लोग निवास करते हैं, वहां चर्च को विशेष रूप से सजाया जाता है। ईस्टर को मनाने वाले सभी लोग इस दिन चर्च में जाते हैं और उनके धर्म से संबंधित गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। कई जगह नृत्य और अन्य कार्यक्रम के आयोजन भी होते हैं। सभी एक दूसरे को गिफ्ट्स, फ्लावर्स, कार्ड, चॉकलेट, केक आदि देकर विश करते हैं। विश्व में ईस्टर सेलिब्रेशन सिर्फ भारत देश में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में ईस्टर को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। विश्व के सभी देशों जैसे अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, फिलीपींस तथा अन्य देशों में जहां क्रिश्चियन आबादी है, वहां ईस्टर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ऐसे ही बढ़िया हिंदी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे विदा चाहते हैं और वादा करते हैं कि हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।